हेलो दोस्तों, आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बर्लिन सिंड्रोम। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर होता है। क्लेयर एक फ़ोटोग्राफ़र है और बर्लिन में अपने काम के सिलसिले में आई है। बर्लिन में रुकने के लिए वो एक होटल में रुकती है और रात में उसे कुछ दोस्त मिलते हैं जिसके बाद वो सभी लोग सुबह तक खूब इन्जॉय करते हैं। अगले दिन जब क्लेयर अपने कैमरा लेके बर्लिन में घूम रही होती है, शूटिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक उसे लाइब्रेरी दिखती है और उसके अंदर जाती है वो। वहाँ पर उसे एक स्केच वाली मैगज़ीन काफ़ी पसंद आती है और वो उसे ले लेती है। जब वो वापस आ रही होती है तो उसके टक्कर एक आदमी से होती है जिससे कि उसकी सारी बुक गिर जाती है और इसका नाम एंडी होता है। ये हमारी मूवी का लीड कैरेक्टर है। ये क्लेयर से काफ़ी अच्छे से बात करता है और क्लेयर भी उससे बात करते हुए चल देती है और दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती है। अब एंडी उसे एक पार्क में लेके आता है और उसे बताता है कि वो एक टीचर है। वो क्लेयर से भी पूछता है कि वो क्या करती है। इस बात पर क्लेयर उसे बोलती है कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और बर्लिन में अपने काम के लिए आई है। अब क्लेयर भी इस शहर में अकेली थी तो उसे एंडी का साथ काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है और वो दोनों पूरे दिन शहर को एक्सप्लोर करते हैं, पूरे दिन शहर में घूमते हैं और शाम को उसे होटल छोड़ने के लिए एंडी जब आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी को क्लेयर से प्यार हो गया। वो उसे अजीब तरह से बाल छूता है क्लेयर के, लेकिन और ये चीज़ देखकर क्लेयर को भी अजीब लगता है। लेकिन उसके बाद जब रात में क्लेयर अपने कैमरे में फ़ोटोज़ देख रही होती है और वो एंडी की भी फ़ोटो देखती है और कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करने लगी थी, उसके साथ रहना चाहती थी। अगले दिन उससे मिलने के लिए वो जाती है लेकिन ना तो उसके पास एंडी का नंबर होता है ना ही उसका एड्रेस होता है। तो वो वही लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वो एंडी से पहली बार मिली थी और वहाँ एंडी उसे मिल जाता है और यहाँ पर एंडी भी समझ जाता है कि क्लेयर उसे पसंद करती है। तो दोनों बाहर एक साथ कॉफ़ी पीने जाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे क्लेयर को एंडी एक शरीफ और एक अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन हर शरीफ इंसान शरीफ नहीं होता है। खैर, एंडी क्लेयर को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जो कि शहर से काफ़ी दूर होता है, एक सुनसान जंगल के पास होता है जहाँ पर आसपास कोई भी इंसान नहीं रहता है। लेकिन क्लेयर इन बातों पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो एंडी से अब प्यार करती थी। तो वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और एंडी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, बट क्लेयर उसे फिर भी इग्नोर कर देती है और अब दोनों इंटीमेट होते हैं और ये रात निकल जाती है। अब एंडी स्कूल में होता है और क्लेयर घर पर होती है। वो पूरे घर में घूमती है और फिर तैयार होकर बाहर निकलने वाली होती है, देखती है कि दरवाज़ा लॉक होता है और उसके ऊपर एक लोहे की रॉड से लॉक लगा होता है। तो ये देखकर काफ़ी मतलब एक तरह से हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके अलावा घर में एक और रूम है जो कि खाली रूम होता है लेकिन उसमें भी लॉक लगा होता है। तो वो इसको भी सीरियस नहीं लेती है, वो सोचती है कि हो सकता है कि एंडी घर की चाबियाँ भूल गया होगा उसे देना। और सारा दिन क्लेयर उस घर में बिताती है और जब शाम को एंडी घर पर आता है तो उससे पूछती है कि क्या वो कीज़ भूल गया था। तो वो बोलता है, हाँ मुझे लगा कि मैं यहाँ छोड़ के चला गया हूँ लेकिन मैं भूल गया था। क्लेयर उसे मजाक में बोलती है कि मुझे लगा तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। और एंडी उसे ऐसा रिएक्ट करता है कि उसे कुछ नहीं पता है, वो बहुत ही शरीफ है, बहुत ही सब कुछ अच्छा इंसान है। और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और सुबह क्लेयर उसे जाने से पहले पूछती है कि कीज़ कहाँ है। वो बोलता है कि टेबल पर पड़ी हुई है और कीज़ देखकर क्लेयर फिर से सो जाती है। क्लेयर जब सोकर उठती है तो उसे एक फ़ोटो मिलती है, उसकी खुद की फ़ोटो होती है और उसके शोल्डर पर लिखा होता है माइन। ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है और कीज़ लेकर वो डोर ओपन करने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो कीज़ होती है वो गलत होती है, वो गलत चाबियाँ एंडी उसे देकर गया था। और अब क्लेयर समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो डोर खोल नहीं पा रही थी। उसे पता चल जाता है कि एंडी ने उसे जानबूझकर यहाँ पर बंद किया है। उसके बाद ही वो अपना सेलफ़ोन चेक करती है लेकिन उसकी बैटरी लो होती है। और उसके बाद जब वो अपना फ़ोन चार्ज में लगाती है तो वो देखती है उसकी फ़ोन में सिम कार्ड ही गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है और खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है। पहला ग्लास टूट जाता है लेकिन उसके जो पीछे ग्लास होता है वो टूट नहीं पाता है। तो क्लेयर समझ जाती है कि ये सब एंडी बहुत पहले से प्लानिंग कर रहा था। और अब क्लेयर शाम तक का वेट करती है। जैसे ही एंडी दरवाज़ा खोलता है वो वहाँ से जाने की बात करती है लेकिन एंडी फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है और लॉक लगा देता है। अब एंडी घर के हालात देखकर समझ जाता है, सारे सामान बिखरे होते हैं, तो वो समझ जाता है कि क्लेयर को सब पता चल चुका है। और क्लेयर उससे पूछती कि ये सब क्या चल रहा है। एंडी बोलता है कि तुमने ही कहा था कि तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहती हो। और कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बात क्लेयर ने एंडी से मूवी की शुरुआत में कहा था और मुझे लगता है कि एंडी ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गया। क्लेयर समझ जाती है कि एंडी एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। उसके बाद क्लेयर उससे काफ़ी लड़ती है और बोलती है कि उसे बाहर जाने दो, जिस पर कि एंडी उसे बहुत मारता है। और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाने वाला होता है तो वो क्लेयर को बेड से बांध देता है और नीचे पॉलीथीन बिछा देता है, मतलब कि वो उसे दो दिन के लिए यहाँ बांध कर जाने वाला था। और टॉयलेट के लिए उसने ये प्लास्टिक बिछाई थी। एंडी अपने फादर से मिलने जाता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड क्लेयर के बारे में बताता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एंडी की पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो कहाँ गई किसी को पता नहीं होता है। जब वो शाम को घर आता है तो क्लेयर को देखता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एंडी उसके लिए एक पज़ल लेके आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया है कि तुम ठीक हो। और इस बात पर क्लेयर उसे बोलती है कि वो ठीक नहीं है। उसके बाद वो
अगले दिन जब एंडी उसे बांधने वाला होता है बेड से, तो क्लियर बोलती कि वो उसे ना बांधे क्योंकि घर का लॉक लगा हुआ है, वो वहाँ से कहाँ जाएगी। तो इस बात से एंडी उसे नहीं बांधता है, और जब एंडी वहाँ से चला जाता है तो क्लियर उस घर में बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और उसे अपने पास रख लेती है। जब शाम को एंडी घर पर आता है तो क्लियर ऐसा दिखा रही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है उसके साथ, और वो पज़ल भी सॉल्व कर रही होती है और एंडी की मदद मांगती है। जब एंडी उसे सॉल्व करने में लग जाता है तो वो उसके हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर दे मारती है। वो उस कीज से रूम के बाहर तो पहुंच जाती है, लेकिन अपार्टमेंट के बाहर वाला डोर भी एक लॉक होता है, तो इसलिए वो खोल नहीं पाती है। और एंडी उसके पीछे आता है और गुस्से में उसकी उंगलियां तोड़ देता है, जिससे कि क्लियर वहीं पे बेहोश हो जाती है। और एंडी उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है, उसकी फिंगर पर पट्टी बांधता है। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि एंडी हमेशा क्लियर की फ़ोटोज़ लेता रहता था और ये काफ़ी अजीब हरकतें उसके साथ करता रहता था। हम एंडी को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी एक स्टूडेंट को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि इसका ये अगला शिकार होने वाली है। अब क्लियर बहुत ही कोशिश करती है उस लॉक को खोलने के लिए, लेकिन वो खोल नहीं पाती है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं दोस्तों क्लियर को इस घर में। और जब एंडी घर आता है तो उसके नाखून को काटता है, क्योंकि अब वो काफ़ी बड़े हो चुके थे, कई दिनों से यहाँ बीत चुके थे। इसके बाद उसके हाथ की जो पट्टी होती है वो भी उसे निकाल देता है और उसे नहलाता भी है। और अब अगले दिन फ्रैंका एंडी के घर पे आती है। फ्रैंका दोस्तों वही लड़की है जिसे कि एंडी स्कूल में अजीब नज़रों से देख रहा था, और यहाँ पे एंडी क्लियर से चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन फ्रैंका क्लियर को देख लेती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे जाल में नहीं फंसता है और वहाँ से उसे मना कर देता है। फ्रैंका गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, और अब क्लियरा समझ जाती है कि एंडी एक मेंटली पेशेंट है, एक मेंटली जिसका दिमाग का संतुलन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, और ये सब करके एंडी को काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन क्लियरा को पता नहीं होता कि आगे चलकर एंडी उसके साथ क्या करेगा। उसे बाथ टब में एक लड़की के बाल भी मिलते हैं, और इस घर में दोस्तों एक रूम होता है जो कि हमेशा लॉक होता है, बस एंडी अकेले उस रूम में जाता था और उसके बाद वो रूम को लॉक कर देता था। ऐसे ही दोस्तों कई महीने बीत जाते हैं और क्लियरा सोचती कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, और आखिर में वो हार मान जाती है। अब हम देखते हैं कि विंटर का सीज़न आ चुका है और एंडी उसे अपार्टमेंट में छोड़ देता है, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। अब ठंड का मौसम है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो इससे क्लेरा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंडी कई दिनों तक बाहर रहता है क्योंकि उसके फादर की मौत हो चुकी थी, और एंडी जब घर आता है तो क्लेरा को अपने फादर के बारे में बताता है और बहुत ही दुखी होता है। वहीं उसी वजह से वो रोने भी लगता है, और उसे रोता देख कर क्लेरा उस पर तरस आ जाता है, और फिर दोनों उसी रात इंटीमेट होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि अब क्लेरा को देखने से हमें पता चलता है कि वो वहाँ अपनी खुशी से साथ एंडी के साथ रहने लग गई है। वो अपनी जो हार है उसको स्वीकार कर लिया उसने, वो सोचती है ठीक है मैं जैसी भी हूँ वैसी ठीक है, लेकिन उसे एंडी के मन की बात पता नहीं होती कि वो क्या करेगा आगे चल के। अब एंडी क्लेरा को एक डॉगी भी ला कर देता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, और क्लेरा उससे पूछती है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया है। इस बात पर एंडी उसे बोलता है कि एक भी नहीं। अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एंडी क्लेरा को कार की डिग्गी में बंद करके एक सुनसान जंगल में ले जाता है, और अब वो उसे मारने वाला था। लेकिन दोस्तों क्लेयर की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ दो बच्चे आ जाते हैं, जिसमें कि एक बच्चा ज़ख्मी होता है, और उनके पीछे उनकी मॉम भी आ जाती हैं। और क्लेयर एक लड़के को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात कुछ समझ नहीं पाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एंडी क्लेरा को घर लेके आता है। हम देखते हैं कि जब एक दिन एंडी घर पर नहीं होता है तो क्लेरा उसी रूम को खोलने की कोशिश करती है और उसमें एंटर हो जाती है। वहाँ पे उसे एक फ़ोटो एल्बम मिलती है जिसमें कि उसकी बहुत सारी न्यूड फ़ोटोज़ होती हैं और एक फैमिली फ़ोटो भी होती है। तभी उसमें कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ भी उसको दिखती है, और वो समझ जाती है कि एंडी ने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब किया है और उन्हें लास्ट में मार दिया। तो क्लेरा ये भी समझ जाती है कि एंडी उसे भी मार देगा। लेकिन क्लेरा दोस्तों बहुत कोशिश करती है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता है। एक रात जब क्लेरा अपने अपार्टमेंट पर अकेली होती है तो वो एक आदमी को वहाँ चेकिंग करने के लिए देखती है, जो कि यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आया था। वो आदमी अपनी लाइट फ्लैश करता है और क्लेरा उसके हाथ हिलाकर उसे मदद मांगती है। वो भी उसे देख लेता है, और वो आदमी क्लेरा की मदद के लिए गेट खोलने ही वाला होता है कि एंडी वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को जान से मार देता है। और क्लेरा ये देख लेती है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और अब एंडी उस लाश को ले जाता है और वहाँ पर जला देता है।
एक दिन दोस्तों क्लेरा देखती है कि एंडी कुछ बच्चों की नोटबुक लेकर घर पर आया है, तो वो प्लान बनाती है कि वो फ्रैंका की नोटबुक में अपनी एक पिक्चर रख देगी जिससे कि उसे पता चल जाए कि एंडी ने उसे यहाँ पे कैद करके रखा है और वो उसकी मदद के लिए आ सके। तो वो ऐसे ही करती है। वो पहले दोस्तों एंडी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, अपना चूल्हे में अपना हाथ जला देती है और फिर फ्रैंका की नोटबुक में अपनी फ़ोटो रख देती है। और अगले दिन जब फ्रैंका अपनी बुक खोलती है तो उसे वो फ़ोटो मिल जाती है और वो समझ जाती है कि क्लेरा खतरे में है। वो उसी टाइम वहाँ से उठकर भागने लगती है और गलती से उससे वो फ़ोटो वहीं गिर जाता है और एक बच्चे को वो फ़ोटो मिल जाता है। वो उठाकर उसे एंडी को दे देता है और यहाँ पर एंडी को भी समझ जाता है कि उसका राज अब खुलने वाला है और वो जेल जा सकता है। एंडी फ्रैंका के पीछे भागता है, लेकिन अब तक दोस्तों उसने क्लेरा को आज़ाद कर दिया था। अब क्लेरा एंडी को वहीं पर कैद कर देती है जहाँ पर उसने उसे कैद करके रखा था और एंडी उसी रूम में एक सोफा पर बैठ जाता है। उसके बाद हम क्लेरा को देखते हैं जो कि टैक्सी में होती है और अब वो आज़ाद थी। उसके चेहरे पे स्माइल थी और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू भी था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीस आउट।